दोस्तों चुपती जलती गर्मी और घमोरियों का मौसम आ गया है। ऐसे में जरूरत है फ्रिज के ठंडे पानी और बर्फ की। लेकिन गर्मियों में आग उगलते सूरज से सर्दी की उम्मीद करना बेवकूफी भरा हो सकता है। इसीलिए ठंडक, हरी भरी वादियों और बर्फ की उम्मीद कीजिए एशिया के इन 5 सबसे ठंडे स्थानों से, जहां गर्मियों में दूर दूर से सैलानी ठंडक का एहसास और सूरज दादा की तपन से राहत लेने के लिए पहुँचते हैं। तो कौन से हैं गर्मियों में घूमने के लिए एशिया के शीर्ष 5 जगह, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन जगहों की एक शानदार सफर पर। लद्दाख। एशिया में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है लद्दाख। बर्फ से लदी ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन लेकिन एडवेंचर रास्ते और कमाल का रहन सहन के साथ ये शहर धरती पर जन्नत है, जो सियाचिन ग्लेशियर से लेकर दक्षिण में महान हिमालय तक फैला है। समंदर से 3500 मीटर के लगभग ऊंचाई पर बसे लद्दाख की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ हर ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ है, फिर चाहे बात आकर्षक मठों की हो या शॉपिंग मार्केट्स की। लद्दाख में फुली पैसा वसूल टूरिस्ट स्पॉट है जैसे पैंगोंग झील, जो 134 किलोमीटर लंबी और 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। इसीलिए भारी भरकम बैग्स में गर्म कपड़ों के लिए जगह बनाना बहुत जरूरी है, वरना आते ही डॉक्टर अंकल को याद करना पड़ेगा। लद्दाख में चुंबकीय पहाड़ी की बात ही निराली है। लगता है जैसे वर्ल्ड का सारा ग्रेविटेशनल फोर्स यहीं आकर ठहर गया। लेह शहर से सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस हिल पर जा तो सकते हैं, लेकिन मेटल से भरी चीजों को दूर रखकर, वरना ये हिल आपको वापस आने की परमिशन नहीं देगी। दोस्तों चादर को आपने ओढ़ा तो जरूर होगा, लेकिन कभी घूमा है? वह लद्दाख में एक ऐसा स्पॉट भी है जिसे चादर ट्रैक कहते हैं। बिल्कुल सफेद बर्फ से ढकी इस जगह को देखने का असली मजा सर्दियों में ही आता है, जहां ट्रैकिंग और नदी को ताड़ने का अलग ही अनुभव मिलता है। वहीं एडवेंचर प्लस धार्मिक अनुभव के लिए फुकताल मठ भी बाहें फैलाए लद्दाख की शान बढ़ाता है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन ये 2500 साल पुराना मठ है, और ऐसा मठ जहां पैदल यात्रा करने पर ही पहुंचा जा सकता है। ये तो कुछ भी नहीं, समुद्र तल से 3609 मीटर की ऊंचाई पर 5555 सीढ़ियों से लैस सड़क से 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद शांति स्तूप भी आकर्षक स्थल है। साथ ही खारदुंग लापास भी, जो कि 5359 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसके अलावा यहाँ ट्रैकिंग, राफ्टिंग, नौकायन, बाइकिंग, पर्वतारोहण जैसे एडवेंचर्स भी किए जा सकते हैं। वैसे जा रहे हैं तो कारगिल, पैंगोंग त्सो, सो मोरीरी झील देखना याद रखिएगा, वरना ट्रिप कुछ अधूरी अधूरी सी ही लग सकती है। नेक्स्ट इज बाली। लाखों करोड़ों लोगों के सपनों का शहर, गुनगुने धूप में बीचेस का शहर, शानदार रिजॉर्ट्स में मौज मस्ती का शहर, और पार्टनर साथ हो तो हाथों में हाथ डालने का शहर बाली खासतौर से इंडियंस के दिल में बसता है, क्योंकि ये इंडोनेशिया का एकमात्र द्वीप है जहां ज्यादातर हिंदू रहते हैं। नाइट लाइफ से लेकर गांव में फैले धान के बाग, लोक संस्कृति से लेकर टॉप पर स्थित पर्यटन स्थल, एडवेंचर प्लेसेस और रोमांटिक स्पॉट्स, मतलब बाली में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। घूमने की बात करें तो सबसे पहले आता है उलुवातु मंदिर, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिमूर्ति की उपासना की जा सकती है। आसपास बिखरी हरियाली, नीचे समंदर, ऊपर खुला आसमान और सामने भगवान, ये बाली में ट्रिप की शुरुआत करने के लिए बेस्ट प्लेस है। इसके अलावा यहाँ एक और लुभावना टेम्पल है, पुरातना लोध, जो दुनिया भर के सैलानियों के बीच अपनी भव्यता, सुंदरता और मनमोहक दृश्यों के लिए फेमस है। मंदिर के आसपास उठती समुद्र की लहरें जब गालों को छूती है तो मानो जन्नत नसीब हो जाती है। हरियाली की कमी यहाँ नहीं है और मंदिर तक पहुँचने का रास्ता तो मनोरंजन से भरपूर है। मंदिर के आसपास सांस्कृतिक लोक नृत्य होता है तो उसे मिस करना बिल्कुल न भूले। दोस्तों ये बात सच है कि पूरा तना लौट जाए बिना आपकी बाली ट्रिप अधूरी है, लेकिन सेमी नायक बीच पर ना जाना भी अफसोस का कारण बन सकता है। ये बीच बाली का स्पा और बुटीक शॉपिंग कैपिटल के नाम से मशहूर है, जहाँ एक से बढ़कर एक स्पा और बुटीक से संबंधित चीजें मिलती है। यहाँ आप ना सिर्फ ठंडी रेत और समुद्री लहरों को फील कर सकते हैं, बल्कि बीच पर मौजूद रेस्टोरेंट्स में बाली के मशहूर पकवान भी खा सकते हैं। बाली में मौजूद लोविना बीच तो दोस्तों सबसे निराला है, जहाँ की रेत पूरी तरह से काली है। डॉल्फिन की मस्ती, बौद्ध मंदिर, सूर्य उगने और ढलने का नजारा इस बीच की शोभा बढ़ाता है। वैसे आपने कंगू देखा है क्या? अगर नहीं तो यहाँ भी जाए, और वो लोग तो जरूर ही जाए जिन्हें शांति की तलाश है। इनके अलावा उबद आर्ट मार्केट, नूसा लैम्पोगन और सेमीनायक की नाइट लाइफ का मजा लेना मत भूलिए। आपको बता दें कि बाली जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडोनेशिया इंडियंस के लिए एक वीजा फ्री एंट्री है और ये काफी सस्ता भी है। नेक्स्ट इज नुवारा इलिया। दोस्तों नंबर 3 पर हम बात करने जा रहे हैं नुवारा इलिया की। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस जगह का नाम शायद पहली बार सुना होगा। वेल, आपको बता दें कि ये शानदार और मनमोहक जगह भगवान श्रीलंका में मौजूद है, जो फेमस है छोटे छोटे गांव, खिलते हरे भरे चाय के बागानों के लिए। नुवारा इलिया में सबसे आकर्षक जगह है सीता इलिया। यह
अशोक वाटिका का ही हिस्सा है, यानी वही जगह जहां माता सीता को रखा गया जब रावण ने उन्हें अगवा कर लिया था। यहां चारों तरफ माता सीता की तस्वीर, हरियाली और इतनी शांति है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसके बाद यहां मौजूद है ग्रेगरी झील, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। झील के आसपास वादियां ही वादियां हैं और किनारे पर रंग बिरंगी बोट भी सैलानियों के इंतजार में रहती है। शहर से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर पेड्रो टी एस्टेट हरे भरे, आंखों को ठंडक पहुंचाने वाले चाय के बागानों से सजा हुआ। चलिए अब आपको सैर करवाते हैं नेगोम्बो बीच की, जहां की खूबसूरती हर किसी के दिल में समा जाती है। बीच के आसपास हरियाली तो है ही, पानी भी है, साथ ही साथ खूबसूरत होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी यहाँ हैं। इनके अलावा गॉलवे लैंड नेशनल पार्क, हक्काला बॉटनिकल गार्डन, राम बोडा झरना जैसी कई जगहों पर घूमा जा सकता है। नेक्स्ट इज पारो। नहीं दोस्तों, ये आपके देवदास की पारो नहीं, बल्कि ये है भूटान का अजब गजब और शानदार शहर पारो, जिसे भूटान के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस की लिस्ट में शुमार किया गया है। और सिर्फ भूटान ही क्यों, ये शहर अपने शानदार गलियारों, रोड्स, कभी सर्दी कभी गर्मी वाले मौसम, कमाल के लोग, उनका पहनावा, बाजार, बागान और मंदिरों के लिए भी पूरे एशिया में फेमस है। ये भूटान का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। इन सब के अलावा पारो फेमस है टाइगर्स नेस्ट मठ के लिए, जहां दुनिया भर से लोग घूमने के लिए आते हैं। पहाड़ों पर बसा ये मठ किसी अजूबे से कम नहीं। इसकी वास्तुकला जितनी मनमोहक है उतना ही ये डरावना है। यहां पहुंचने का नजारा ऐसा लगता है मानो हम पहाड़ के ऊपर हैं, लेकिन बीचों बीच हवा में लटके हुए हैं। टाइगर्स नेस्ट मठ के आसपास पहाड़ ही पहाड़ और पेड़ पौधे ही मौजूद हैं। यहां तक पहुंचने के लिए करीब करीब 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। जब आप पारो पहुंचेंगे तो देखेंगे कि शहर में एक भी रेड लाइट या ट्रैफिक लाइट नहीं है, क्योंकि यहां पुलिस 24 घंटे एक्टिव रहती है और हर वक्त लोगों को ट्रैफिक नियम पालन करने के डायरेक्शन देती है। वहीं शहर के लोग भी ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। खैर, पारो में दूसरी सबसे शानदार जगह है चेले लापास, जहां आप एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं और फिर रिनपुंग जोंग पहुंच सकते हैं, जिसे शहर का सबसे जरूरी स्पॉट भी माना जाता है। इसके बाद ड्रुगाल जोंग, ड्रुकचोइडिंग मंदिर, डुंगसे लखांग जैसी कई शानदार जगहों को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे तो आपको इस शहर में एक से बढ़कर एक चीजें मिलेंगी, लेकिन यहाँ के हस्तशिल्प सच में कमाल की है। बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर तरह तरह के हस्तशिल्प लोगों का इंतजार करते हैं। पारो पहुंचने के लिए आपको पूरा भूटान घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट है तो आप डायरेक्ट लैंड कर सकते हैं। और अगर भूटान के किसी दूसरे हिस्से में है तो बाय बस या टैक्सी से यहाँ पहुंच सकते हैं। हर जगह से अलग अलग किराया होगा, लेकिन आपकी सोच से थोड़ा सस्ता ही होगा, क्योंकि पारो घूमने के लिए एक सस्ती और अच्छी जगह है। चलिए आप जानते हैं एशिया के उस प्लेस के बारे में जो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है, पोखरा। पोखरा हिमालय पर्वत के पहाड़ों पर मौजूद नेपाल की सबसे खूबसूरत जगह है, जो प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और कमाल की मेहमान नवाजी के लिए जानी जाती है। पोखरा में दोस्तों रहस्यमय गलियों से बना एक ऐसा बाजार है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे ओल्ड पोखरा बाजार भी कहते हैं और यहाँ की सैर आपको पोखरा, नेपाल के पारंपरिक कपड़े, आर्टिफिशियल चीजें, हैंडीक्राफ्ट सहित कई अमूल्य चीजें दिला सकती है। अगर आप भी अपनी यात्रा की शुरुआत किसी धार्मिक स्थान से करने में विश्वास रखते हैं तो यहाँ मौजूद ताल बाराही मंदिर आपकी फरियाद पूरी कर सकता है। ये नेपाल का प्रमुख मंदिर है, जो फेवा झील के एक छोटे से द्वीप पर बसा है और नेपाली हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अगर आप नाव से जाते हैं तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर मंदिर में होंगे। आसपास झील की खूबसूरती, बोट से आते लोग, मंदिर के अंदर से आते गीतों की आवाज, यकीन मानिए ये धार्मिक अनुभव आप कभी नहीं भूल पाएंगे। और झील के बीचों बीच स्थित ऐसा मंदिर शायद कभी देख भी नहीं पाएंगे आप। पोखरा की सबसे फेमस झील है रूपा झील, जिसका नाम भले ही मेला फिल्म की रूपा से मिलता हो, लेकिन ये रूपा की तरह फ्लॉप नहीं बल्कि हिट है और मीठे पानी की झील है। झील के आसपास शांति और किनारे पर बोट्स की लाइन लगी रहती है, इसीलिए यहाँ आप बोटिंग का सपना भी पूरा कर सकते हैं। घूमने के लिए बेगनास झील भी किसी से कम नहीं। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं रहती, इसीलिए आप शांति से कुछ पल गुजार सकते हैं। ये झील पोखरा के लिए सबसे जरूरी कही जा सकती है, क्योंकि इसी की मदद से किसान सिंचाई और मछुआरे मत्स्य पालन करते हैं। वैसे दोस्तों, पानी से दूर अगर आप आसमान में कुछ एडवेंचर लाइक पैराशूट राइड लेना चाहते हैं तो एक बार सांगर कोट जरूर जाए, जहां लोग पैराशूट राइड लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। चलिए आप पहुंचते हैं अनाडू हिल्स पर, 1100 मीटर की ऊंचाई पर, जहां मिलेगा पोखरा का शांति स्तूप। ये बौद्ध पैगोडा शैली में बना एक स्मारक है, जो अनाडू पहाड़ी पर बड़ी शान से खड़ा हुआ है और लोगों के बीच चर्चा का विषय भी है। शांति स्तूप की वास्तुकला को निहारने के बाद आप फेवा झील में रंग बिरंगी बोट और आसपास की हरियाली भी देख सकते हैं। इस झील की सबसे खास बात है कि ये नेचुरल नहीं है, ना ही सुपर नेचुरल है, बल्कि इस झील को इंसानों द्वारा बनाया गया है और ये नेपाल में ताजे पानी की सबसे बड़ी झीलों में गिनी जाती है। इनके अलावा गोरखा मेमोरियल म्यूजियम, श्री बिंधे बासिनी मंदिर जैसे कई स्थल हैं जो पोखरा में आपको आनंद से भर देने वाले हैं। तो फिर क्या सोचा, सबसे पहले आप इनमें से किस जगह पर जाना पसंद करेंगे? वैसे दोस्तों, इनमें किन जगहों की सैर आप कर
चुके हैं और कौन सी जगह है। आपको सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।